कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। तीन बड़े भाई की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरी घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। कविता स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो वह ऐसे ही अपने कॉलेज में दाखिल लिया। उसके ठाट पाठ बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नए फैशन में देखकर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपने ही एक पहचान थी। इन दिनों में उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजा था। राजा काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी।